कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है। उनके युवराज, राजद के युवराज जिस जिस डिपार्टमेंट में रहे, एक भी सरकारी नौकरी की बहाली तक नहीं निकला। तो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया 2020 10 लाख सरकारी नौकरी का कमिटमेंट गरीबों तक पहुंचाने का, नौजवानों तक पहुंचाने का, उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। गठबंधन पूरी तरह 2024 का चुनाव हारेगा और पहले फेज का जो चुनाव हुआ इसके चारों सीट हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और 40 में 4 अभी सिर्फ टेलर है, 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर मोदी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज हम लोगों ने महा ठगबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर INI.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया, कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महा ठगबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया, कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप में आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया, तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया है। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा, बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया। और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2,00,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंट देती है, टैक्सों से आता है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आज इस पूरे एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है। आप स्वयं जानते हैं कि उनके युवराज, राजद के युवराज जिस जिस डिपार्टमेंट में रहे एक भी सरकारी नौकरी की बहाली तक नहीं निकला। और जो पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया 2020, 10,00,000 सरकारी नौकरी का कमिटमेंट गरीबों तक पहुंचाने का, नौजवानों तक पहुंचाने का, उसको हम पूरा भी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इसकी चर्चा कर। इसलिए साथियों मैं यही कहूंगा कि आज ठगबंधन पूरी तरह 2024 का चुनाव हारेगा और पहले फेज का जो चुनाव हुआ इसके चारों सीट हम बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। पहले भी जितने चुनाव को आप देखेंगे, चाहे वो एनडीए के स्वरूप में रहा हो या भाजपा अकेले लड़ी हो, पिछला तीनों चुनाव हम उन सभी सीटों पर जीतने का काम किए हैं। आगे भी 2024 का जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ये चारों सीट कंप्लीट एनडीए को मिलेगी और 40 में 4 अभी सिर्फ टेलर है, 40 की 40 सीट बिहार से जीतकर मोदी की सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।